नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। इत्र की राजधानी कहा जाने वाला यूपी का कन्नौज जिला अपने खास तरह के इत्र के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो वहीं कन्नौज का इत्र एक बार फिर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी महकने को एकदम तैयार है। जी हाँ, वैलेंटाइन डे पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कन्नौज के मेक इन इंडिया विकास खन्ना बाई जगराना परफ्यूम को न्यूयॉर्क में कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया रणधीर जायसवाल ने लॉन्च किया है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये संभवतः पहली बार है कि आपके पास कन्नौज यूपी से भारतीय इत्र आया है, वो भी ऐसे समय पर हुआ है जब हम भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जिगराना द्वारा न्यूयॉर्क में लॉन्च हुए इस परफ्यूम को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि हमारी सभ्यता के उद्गम स्थल के करीब पवित्र माँ गंगा के पास स्थित भारत की इत्र राजधानी कन्नौज का ये नया उत्पाद अतुल्य भारत के सार को पकड़ने का हमारा विनम्र प्रयास है। जिगराना का नया इत्र विकास खन्ना लौंग, इलायची, जायफल, चंदन, चमेली और गुलाब जैसे तत्वों का एक अनूठा मिश्रण है, जो सदियों से भारत की अनूठी महक को परिभाषित करता आया है। इतना सब कुछ तो आपने जान लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि कन्नौज को ही इत्र राजधानी क्यों कहते हैं? तो आइए इसका जवाब भी जान लेते हैं। दुनिया भर में अगर फ्रांस विदेशी परफ्यूम के लिए मशहूर है, तो अपना कन्नौज भी दूसरे स्थान पर आता है। ये वो जगह है जहाँ से देसी इत्र की खुशबू और व्यापार पूरी दुनिया में फैला है। खासकर बात जब गुलाब के इत्र की हो तो कन्नौज इस मामले में दुनिया का सिरमौर है। कन्नौज में बनने वाले इत्र का इतिहास काफी पुराना है। इस इत्र की मांग खाड़ी देशों में काफी ज्यादा है। कन्नौज को इत्र बनाने का तरीका और नुस्खा फारस के कारीगरों से मिला था। उस समय से लेकर आज तक इत्र बनाने के तरीकों में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। आज भी अलीगढ़ में उगाए दशमक गुलाब का कन्नौज की फैक्ट्री में बना इत्र पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा गेंदा, गुलाब और मेहंदी का इत्र भी काफी फेमस है। वहीं कन्नौज में इत्र के व्यापार की बात करें तो यहाँ 350 से ज्यादा इत्र के कारखाने हैं। 60 से ज्यादा देशों में यहाँ से इत्र का व्यापार होता है। इसके कुल कारोबार में से 30% से ज्यादा कारोबार विदेशी बाजार में होता है। इस व्यापार के लिए जिन फूलों की खेती होती है उनसे 50,000 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। 60,000 से ज्यादा लोगों को इस काम से रोजगार मिलता है और एक अनुमान के मुताबिक 200 से 300 करोड़ का इस काम का सालाना टर्नओवर है। अगर आपने भी कन्नौज का बना हुआ इत्र कभी इस्तेमाल किया है तो हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।